अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों चलिए बनाती हूँ आलू अंडा का सालन। तो यहाँ पर मैं पहले अंडा और आलू को बॉईल कर रही हूँ कुकर में। आप चाहे तो कोई कढ़ाई में या डेगची में गरम कर सकते हैं। तो ये गलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या क्या इसमें मसाले लगेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो हाल है अंडों का और आलू का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अंडे भी देखिए बॉईल हो गए हैं और आलू भी। तो चलिए इसको छिलका उतार लेती हूँ और पानी से डिस आउट करती हूँ। तो यहाँ बॉईल हो गए हैं आलू और अंडे और उसके छिलके भी उतार ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, सरसों का ऑयल डालेंगे और हमें अंडे को और आलू को बॉईल करना है, सॉरी फ्राई करना है, बॉईल नहीं फ्राई करना है। चलिए इतना डाल लेना है ऑयल ताकि हमारे आलू भी फ्राई हो जाए और बॉयल अंडे भी। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ऑयल हो गया है अच्छी तरह गर्म, अब हम इसमें डाल देते बॉयल अंडे। अंडे यहाँ पर हो गए हैं फ्राई। आप चाहे तो इसको और डार्क फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह फ्राई करती हूँ अंडे को। ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो चलिए अंडे को निकाल लेती हूँ और फिर आलू को फ्राई करती हूँ। आलू हमारा एक तरफ से फ्राई हो चुका है, इसको अभी पलटना है और बिल्कुल हल्के हाथों से बॉईल आलू है ये। देखिए इस तरह से कलर आना चाहिए, इस तरह पलटी कर लीजिए हल्के हाथों से। आप इस तरह से सालन एक बार बना के देखिए और ये बिल्कुल बिना प्याज की बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए एक तरफ तो आलू हमारा फ्राई हो गया, दूसरी तरफ होने के बाद हम आलू को निकाल लेंगे। अगर आपके पास घर में कोई सब्जी ना हो तो अंडा और आलू सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बिल्कुल प्याज बिना प्याज की बनती है और मसालेदार बनती है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक तरफ हो गया आलू, हम आलू को अच्छी तरह निकाल लेती हूँ हल्के हाथों से। अब चूल्हे का फ्लेम को हमें करना है लो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तड़का। तड़के में डालेंगे थोड़ा से सरसों, थोड़ा से मेथी डाल दूंगी, चार पांच दाने बस ज़्यादा नहीं। ज़ीरा डाल दूंगी थोड़ा, बस हमें तड़के की खुशबू चाहिए, बस उतना ही काफ़ी होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी एक छोटा चम्मच। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को तेल में फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भुंजा गया है, अब हम इसमें थोड़ा से पानी डालूंगी ताकि जब मैं पाउडर मसाले डालूं तो जले नहीं। यहाँ पर ही आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, एक छोटा चम्मच डाल दूंगी मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर डाल दूंगी दो छोटे चम्मच, थोड़ा सा ऐड कर दूंगी चिकन मसाला, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह भूनना है ग्रेवी को। अब हम इसमें डाल देती हूँ नमक, क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ही डालिएगा, जितना आलू है अंडा है उस हिसाब से, ज़्यादा नहीं डालिएगा। देखिए तेल कितनी अच्छी तरह से सेपरेट हो रहा है और हमारा मसाला भी भुंजा रहा है। मसाले भुंजा गए हैं, अब हम इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए अंडे और आलू इस तरह से। पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, हल्के हाथों से चला लूंगी मसालों को एकदम बिल्कुल केयरफुली इस तरह से। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ, थोड़ा से गरम मसाले ऐड कर दूंगी ऊपर से आधा छोटा चम्मच। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती और इसको हमें तकरीबन
चार से पाँच मिनट बॉईल होने देना है धीमी आँच में ही, ताकि मसाले जो हैं आलू के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए और अंडे के अंदर भी। तो चलिए 4-5 मिनट के लिए इसको सिम में छोड़ देती हूँ। अब इसको ढक्कन को ढक देना है हमें और 4-5 मिनट के बाद मिलती हूँ। लीला देखिए मेरी बनाई हुई अंडा आलू का सालन बन गया है, वो भी बिना प्याज बिना टमाटर के ग्रेवी बनी है। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई ये रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नियमतों से नवाजे, मिलती फिर नेक्स्ट रेसिपी।